नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इस चैनल पे। मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बना दिए दोस्तों, एक इंट्रोडक्टरी सेशन के रिगार्डिंग और एक मॉड्यूल वन बनाया है जो एमएस पावर पॉइंट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जो आपको पहला स्लाइड बनाना होता है पावर पॉइंट का, वो आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उस पे बेसिस पे ही कुछ बेसिक मैंने वहाँ पे बताया है, वो बेसिक्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। सो दोस्तों, इसमें आज हम बात करेंगे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमएस वर्ड का ये नॉर्मल एक सैंपल पेपर है। इसमें आप यहाँ से पढ़िएगा रिपोर्ट, रिप्रोड्यूस द ऑफिशियल लेटर यूजिंग एमएस वर्ड विद फॉन्ट टाइप, विद फॉन्ट टाइप वर्डन एज पर द फॉर्मेट एंड गाइडलाइंस। तो आपको क्या करना है, वर्डन ये जो फॉन्ट है ये थ्रू आउट फॉलो करना है। ये वर्डन फॉन्ट पूरे जितना भी आप टाइप करोगे उतने पूरा आपको वहां पे फॉलो करना है, लेकिन बाद में आपको फॉन्ट साइज जो होता है 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट धीरे धीरे अप्लाई करना है। सो हम धीरे धीरे आप क्या करेंगे, जो कुछ भी बेसिक मैं आपको यही बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मैटर ऐसा टाइप करना है कि जो डेट दिया है तो डेट का डी ही कैपिटल आना चाहिए, उसके बाद स्पेस, उसके बाद डबल कोलन दिया है तो कोलन के बाद स्पेस दिया तो स्पेस भी आना चाहिए, 19 नवंबर के बाद कॉमा दिया उस स्पेस दिया तो आना चाहिए, 2011 के बाद यदि सेंटेंस ब्रेक किया तो उसको एंटर करके नीचे देना है। और सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिएगा डेट, ये जो अलाइनमेंट से हम बाद में देखेंगे, सिंपल हम टाइप कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी मैटर टाइप किया हुआ है, हम वैसे ही देखते जाएंगे धीरे धीरे। अब हमारा सबसे पहले टास्क क्या है कि यहाँ से पूरा मैटर सिलेक्ट करना है और उसको एक फॉन्ट में अरेंज करना है। कौन सा फॉन्ट बोला है हमें कौन सा फॉन्ट बोला गया है, तो यहाँ पे हमें होम में जाके फॉन्ट टाइप होता है, तो यहाँ पे हम वर्डना टाइप करेंगे। कौन सा वर्डना, वर्डना और एंटर करेंगे, फॉन्ट टाइप आ गया। अब इसको एक नॉर्मल साइज 10, 11, 12 तो बोल दिया है, तो हम बेसिक साइज कौन सा कर देंगे 10। मतलब बहुत सारी चीजों जगहों पे हमें 10 चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉन्ट साइज, कई जगह पे 10 दिया है, 12 दिया है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले डेट यहाँ पे देखा, नॉट टू बी नोटेड, नॉट टू बी नोटेड ऑल द टेक्स्ट इन द फॉन्ट टाइप इज वर्डना। अब उसके बाद सेकंड लाइन देखिएगा, फॉन्ट साइज 12 बोला है किसको, डेट 19 नवंबर 2018 को, फॉन्ट साइज कितना बोला है 12 बोला है। उसके बाद डबल लाइन स्पेसिंग इंस्ट्रक्शंस दिया है, वो डबल लाइन स्पेसिंग इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करना है। मतलब लेफ्ट साइड में जो कुछ भी दिया है वो सब इंस्ट्रक्शंस दिया है, वो इंस्ट्रक्शंस हमें धीरे धीरे फॉलो करते वक्त जो कुछ भी हम मैटर टाइप करेंगे उस पर वो अप्लाई करते जाना है। उसके बाद जो कुछ भी अलाइनमेंट, तीन फीचर्स मैंने बोला था कि ये फॉन्ट, या मेरे एरो की तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉन्ट दिया है, उसके उसके बाद जो है फॉन्ट साइज दिया है, नीचे कुछ इफेक्ट्स दिए जो बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन होता है, ये तीन इफेक्ट्स होते हैं और नॉर्मल अलाइनमेंट्स होती है, लेफ्ट अलाइन, ये सेंट्रल अलाइन और ये राइट अलाइन। मतलब वो भी मैं बताऊंगा आपको, पिछले वीडियो में बताया भी लेकिन इसमें भी बताऊंगा क्योंकि हमें अब वो अप्लाई भी करना है। तो अब हमें क्या करना है, डेट को 12 फॉन्ट देना, उसके बाद डबल लाइन स्पेसिंग, और टू को भी 12 फॉन्ट देना, उसके बाद सिंगल लाइन स्पेसिंग। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डेट को हम 12 यहाँ पे 12 करेंगे, टाइप करने के बाद 12 एंटर, सॉरी एंटर हो गया इसका फॉन्ट साइज चेंज। उसके बाद क्या बोला है, डबल लाइन स्पेसिंग बोला है। तो अब इसको डबल लाइन स्पेसिंग का मीनिंग ध्यान में देखिएगा, पहली बार आपको ऐसा कुछ आया है, तो एंटर करने के बाद 2011 को एंटर करने के बाद पहली लाइन आएगी, उसके बाद दूसरी लाइन आएगी, दो लाइन का स्पेसिंग अब हो गया है, तो टू की कौन सी लाइन में आएगा, टू हमारे थर्ड लाइन में आएगा, सेकंड लाइन में नहीं आएगा। हमें दो लाइन का स्पेस देना है और उसके बाद थर्ड लाइन में मैटर स्टार्ट करना है। यदि डबल लाइन स्पेसिंग बोला है तो हमें दो लाइन का स्पेस देना है, तो हमने दो लाइन का स्पेस दे दिया और एक बार एंटर करने के बाद टू को आएगा, मतलब टू थर्ड लाइन में आएगा। तो इसका भी फॉन्ट हमें 12 बताया था, तो हम इसको भी 12 कर देंगे, ये लो 12, उसको एंटर कर दिया। उसके बाद सिंगल लाइन स्पेसिंग बोला है, ये आपको सिंगल लाइन स्पेसिंग दिखा है। उसके बाद डायरेक्टर, अब ऊपर क्या दिया है, द डायरेक्टर, उसके बाद कॉमा, द का टी कैपिटल है, डायरेक्टर का डी कैपिटल है, ईएसएस हेडक्वार्टर पूरा कैपिटल है, उसमें बीच में एक लाइन भी दिया है, उसके बाद पंचदीप भवन के बाद कॉमा, ये सब जैसा दिया है वैसे ऑब्जर्व करना है। और इसको बोल्ड भी किया, मतलब डेट से न्यू दिल्ली तक आपको बोल्ड भी दिख रहा है, मतलब हाईलाइटेड दिख रहा है, तो ये जो फीचर है ना हमें अप्लाई करना पड़ेगा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन में, अब हम वो भी यूज करेंगे। द डायरेक्टर से न्यू दिल्ली तक हमें कितना साइज दिया, फॉन्ट साइज 12 दिया है, तो हम द डायरेक्टर से न्यू दिल्ली तक फॉन्ट साइज भी 12 कर लेंगे यहाँ पे, 1 2 एंटर। अब पूरा जो दिया है द डेट से द न्यू दिल्ली तक, उसको कितना दिया है, बोल्ड किया, तो हम बोल्ड करेंगे। जब बोल्ड नहीं था दोस्तों तो ऐसा दिख रहा था, अब बोल्ड करने के बाद देखो कैसे दिखेगा, ओके हो गया। तो मैंने ऑलरेडी वो टाइप करने के बाद बोल्ड किया था इसलिए आपको दिख रहा था, लेकिन ये विदाउट बोल्ड होता है और वहां पे हमें बहुत हाईलाइटेड दिख रहा है, जिसका मतलब वो बोल्ड लेटर्स में था, ये बोल्ड लेटर्स में हो गया। अब इसके बाद का मैटर क्या है, सब्जेक्ट ऑफ सबमिशन कैंडिडेचर, अब ये यहाँ पे दिखेगा, उसके बाद दिया है
डबल लाइन स्पेसिंग है न्यू डिली के बाद, और सब्जेक्ट सबमिशन फॉर द कैंडिडेटचर फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट इन द सितंबर 2011 डेली न्यूज। अब देखो दोस्तों, ये डी टी टी ई एस आई सी का, ये पंचदीप का, न्यू दिल्ली का, ये सब लेफ्ट में कॉर्नर है। और सब्जेक्ट के बाद सबमिशन ऑफ द कैंडिडेटचर फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट इन द सितंबर 2011 न्यूज, ये सेंटर में, पूरे पेज के सेंटर, मतलब ये जो दोनों लाइन है ये सेंट्रली अलाइन है, और ये जो है पूरा दिख रहा है लेफ्ट साइड में एडजस्ट हुआ, ये लेफ्ट अलाइन है। तो हमें क्या करना है, अब डबल लाइन स्पेसिंग देना है न्यू दिल्ली के बाद, उसके बाद सब्जेक्ट का जो टाइप किया उसको फॉन्ट साइज चेंज करना है, 10 में करना है। अब यहाँ हम यहाँ पे डबल लाइन स्पेसिंग देंगे, इसके बाद ये फर्स्ट लाइन हो गया, फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया, और ये थर्ड लाइन में सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आया है। तो हम यहाँ भी इसका फॉन्ट साइज कितना कहा है, 10 का है, 10 का है ना, तो हम इसको 10 ही करेंगे, सॉरी, कंट्रोल जेड करने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो उसको आई वुड लाइक, सॉरी, सब्जेक्ट को हमने फॉन्ट साइज भी किया है 10, और उसको इटैलिक भी दिख रहा है दोस्तों, उसको अंडरलाइन भी किया है और उसको बोल्ड भी किया है। तो हम यहाँ पे इसको इटैलिक भी करेंगे, इटैलिक तो ऑलरेडी हमने टाइप करके रखा है, तो यहाँ पे इटैलिक भी सिलेक्ट करना होता है, इटैलिक भी सिलेक्ट किया, अंडरलाइन भी करना होता है तो अंडरलाइन भी सिलेक्ट किया, और बोल्ड भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया हमारा सेट। उसके बाद क्या दिया है, रिस्पेक्टेड मैडम, सिंगल लाइन स्पेसिंग के बाद रिस्पेक्टेड मैडम एंड सर, उसका फॉन्ट है 10, तो सिंगल लाइन स्पेसिंग आएगा इसके बारे में। ये देखो आ गया, यहाँ पे क्लिक करने का सिंगल दिख रहा है, स्पेस दिया। उसके बाद रिस्पेक्टेड मैडम, इसका 10 तो हमने ऑलरेडी बेसिक सेट कर दिया है। उसके बाद डबल लाइन स्पेसिंग बोला था, हमने डबल लाइन स्पेसिंग भी दिया, और दिस इज रेफरेंस विद द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द न्यूज डेली ऑन 15 सितंबर 2011 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। तो यहाँ पे भी वही दिया है, दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइज पब्लिश इन दिस द न्यूज, न्यूज से कैटेगरी पोस्ट तक हमें उसका अंडरलाइन दिया है, तो हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे। और ये फॉन्ट साइज 11 में दिया है, देखो लेफ्ट कॉर्नर में, तो हमें 11 में सेट कर लेंगे इसको, किसको, दिस इज विथ रेफरेंस टू जो दिया है उसको फॉन्ट साइज 11 करेंगे। अब ये 11 उसको एंटर्ड, एंटर करने के बाद इसको क्या किया है, न्यू से पोस्ट तक उसको यहाँ सिलेक्ट करेंगे, न्यू से पोस्ट तक उसको अंडरलाइन किया, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन कर लेंगे, किया। उसके बाद सिंगल लाइन स्पेसिंग दिया है, तो सिंगल लाइन स्पेसिंग करेंगे, सिंगल लाइन स्पेसिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन किया है सिंगल लाइन, सॉरी डबल लाइन दिया गया, ओके नो सिंगल लाइन ही किया। तो उसके बाद आई वुड लाइक टू सबमिट माई कैंडिडेट फॉर द सेम एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। उसको अभी क्या हुआ है इनसे, इस सिंगल लाइन स्पेसिंग के बाद ये मैटर ऊपर चला गया, मतलब इन्होंने थोड़ा तिरछा हो गया। इसका जो फॉन्ट साइज दिया ना नीचे 10, वो आई वुड लाइक टू सबमिट का है, तो उनका थोड़ा सा फॉन्ट टाइप करने में भी और लेट इशू हो गया है, सैंपल पेपर टाइप करने में, लेकिन कोई बात नहीं, हम उतना एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हमें भी उतना समझ आता है। तो फॉन्ट साइज 10 है, तो किसका है, आई वुड लाइक टू सबमिट माय कैंडिडेट का फॉन्ट साइज 10, ऑलरेडी हमने तो सब पे 10 अप्लाई कर दिया, तो हमें जरूरत नहीं। उसके बाद फॉन्ट डबल लाइन स्पेस देना किसको, फॉर्म के बाद, तो हम यहाँ पे भी फॉर्म के बाद डबल लाइन का स्पेस देंगे, कहा गया है फॉर्म, ये आया फॉर्म, तो यहाँ पे डबल लाइन का स्पेस देंगे। देखो ये सिंगल लाइन, ये डबल लाइन, ये ट्रिपल लाइन, मतलब एक फॉन्ट ज्यादा होगा तो हम इसको बैक स्पेस करके एडजस्ट कर लेंगे। अब आ गया बराबर। अब आई वुड लाइक टू सबमिट माय कैंडिडेट फॉर द सेम, इसका क्या दिया है हमें ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो आई वुड लाइक टू सबमिट माय कैंडिडेट फॉर द सेम एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इज एप्लीकेशन फॉर्म, ये क्या किया है, ये बराबर दिया है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का स्पेलिंग देखो, उन्होंने जानबूझ के एप्लीकेशन का स्पेलिंग, प्रिस्क्राइब का स्पेलिंग उन्होंने गलत देखा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इफ स्पेलिंग मिस्टेक्स एनी एंड सेव द फाइल इन द करेक्ट फॉर्मेट, मतलब करेक्ट करना है हमें, स्पेलिंग मिस्टेक भी करेक्ट करना है। यहाँ पे हमारी स्पेलिंग का भी वो टेस्ट कर रहे हैं, हमारी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है वो भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो एप्लीकेशन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिया, तो हमें वो राइट टाइप करना है, और उसको इटैलिक में देखा है लेकिन बोल्ड भी दिख रहा है, तो हम उसको बोल्ड भी टाइप कर देंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, इसको हम अभी एप्लीकेशन का स्पेलिंग हमने करेक्ट कर दिया है, और ये इटैलिक है लेकिन सिर्फ बोल्ड करना बाकी था, तो हमने इसको बोल्ड भी कर दिया, लेफ्ट अलाइन है तो ऑलरेडी। उसके बाद डबल लाइन स्पेसिंग दिया है, तो डबल लाइन स्पेसिंग भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो डबल लाइन स्पेसिंग के बाद क्या दिया है, फर्दर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का स्पेलिंग दिखेगा एस टी यू, तो डबल वुड ही दिखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ ये पढ़ना है आपको, और उसका फॉन्ट साइज कितना दिया है, 11 दिया है, तो इसका फॉन्ट साइज 11 करने के बाद इसको बोल्ड भी करेंगे, क्योंकि बोल्ड भी दिख रहा है, और इसको अंडरलाइन भी करेंगे, तो हमने ऑलरेडी टाइप करके रखा है, तो इसको हम अब सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट साइज 11 करेंगे, 11 एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इसको अंडरलाइन भी करेंगे, आ गया अंडरलाइन। उसके बाद सिंगल लाइन स्पेसिंग दिया होगा डेफिनेटली, कुछ ना कुछ स्पेस तो दिया ही होगा, थैंकिंग यू, ट्रिपल लाइन स्पेसिंग, ओ नो नो सॉरी ट्रिपल लाइन स्पेसिंग, हाँ ट्रिपल लाइन स्पेसिंग आएगा अब इसको, ट्रिपल लाइन स्पेसिंग मतलब फोर्थ लाइन पे ही आएगा, फर्स्ट हो गया, सेकंड लाइन हो गया, थर्ड हो गया, अब ये फोर्थ पे आएगा, मतलब फोर्थ पे
आएगा, मतलब थैंक यू हमें न्यू पेज पे ही लाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे थैंक यू लाएंगे। तो थैंक यू आने के बाद उसमें क्या दिया है, थैंक यू के बाद हमें दिया गया है, थैंक यू के बाद हमें दिया है क्या दिया है उसको, ट्रिपल फॉन्ट साइज थैंक यू का कितना दिया, 10 दिया, उसके बाद फ्री ट्रिपल लाइन स्पेसिंग एंड योर सिंसियरली है। तो थैंक यू के बाद अभी हम ट्रिपल, तीन बार ट्रिपल लाइन देखेंगे, यहाँ पे तीन बार ट्रिपल लाइन देंगे, फर्स्ट लाइन तो हमने दे दिया, सेकंड भी दे दिया, सेकंड लाइन भी दे दिया, ये ट्रिपल लाइन है, और उसके बाद एक एंटर करने के बाद योर सिंसियरली, तो योर सिंसियरली का को हमने फॉन्ट साइज उसको उन्होंने एडजस्ट करने के लिए बोला है, तो योर सिंसियरली का फॉन्ट साइज भी हम देखेंगे 10 है, और नेम एंटोनी के भी फॉन्ट साइज कितना है 10 है, ये नीचे दिया है, देखो फॉन्ट साइज दोनों जॉइंट में दिया है, योर सिंसियरली नेम एंटोनी दोस्तों उसका, उसके बाद ट्रिपल लाइन स्पेसिंग के बाद कॉन्टेक्ट एड्रेस आता है, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे योर सिंसियरली एंड नेम को एडजस्ट कर लेंगे, कितना फॉन्ट साइज 11 दिया है ना इसका, सॉरी 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 देखने में यहाँ पे गड़बड़ होगी, 10 दिया है, तो 10 ऑलरेडी सेट किया है, ऑलरेडी 10 यहाँ पे सेट कर दिया है, तो जो कुछ भी फॉन्ट साइज यहाँ पे दिया होता है वही फॉन्ट साइज हमें अप्लाई करना पड़ता है, तो हमने जो 10 दिया था वो 10 तो अप्लाई कर दिया। अब ये भी देखेंगे कि उसके बाद क्या आता है, कॉन्टेक्ट एड्रेस, कॉन्टेक्ट एड्रेस ट्रिपल लाइन के बाद आता है, तो हम यहाँ पे ट्रिपल लाइन कर देंगे, यहाँ पे ट्रिपल लाइन जस्ट अ मिनट एंटर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद कॉन्टेक्ट एड्रेस आया, कॉन्टेक्ट एड्रेस को ट्रिपल लाइन करने के बाद कॉन्टेक्ट एड्रेस में क्या इंस्ट्रक्शंस दिया है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया, कॉन्टेक्ट एड्रेस हमें बोल्ड नहीं दिख रहा तो हम इसको बोल्ड नहीं करेंगे, कॉन्टेक्ट एड्रेस हमें बोल्ड नहीं दिख रहा है ना तो इसको बोल्ड निकालेंगे, इसका हमें बोल्ड किया था ऑलरेडी, ओके अच्छा दिख गया आपको, तो इसके पहले भी हमने एक नेम को हाईलाइट किया था, नेम और योर सिंसियरली को बोल्ड किया है, बोल्ड करने का भूल गए थे, अब यहाँ पे हम कर देंगे योर सिंसियरली को बोल्ड करने कर देंगे बोल्ड, मैंने जानबूझ के चेंजेस ऑलरेडी करके रखे थे क्योंकि आपको बाद में समझ में आना चाहिए, मिस्टेक्स भी आपको दिखनी चाहिए, तो ये नेम को इटैलिक नहीं नॉर्मल है उसको बोल्ड नहीं किया है सिर्फ, तो कॉन्टेक्ट एड्रेस के बाद क्या है और दिया है कुछ वो भी देखेंगे, कॉन्टेक्ट एड्रेस में डेली वगैरह दिया, इनक्लोजर के बाद जो दिया है कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये नॉर्मल फॉन्ट है उसको बोल्ड नहीं किया है, उसका फॉन्ट साइज है 10, उसके बाद ट्रिपल लाइन स्पेसिंग भी दिया था, सॉरी कॉन्टेक्ट एड्रेस के पहले ट्रिपल लाइन स्पेसिंग था, अब फॉन्ट साइज कितना 10 किसका, लास्ट का फॉन्ट साइज है एंक्लोजर का 10, अब हम उसको देंगे एंक्लोजर का फॉन्ट साइज 10, अब वही बच गया था हमारा, और ये जो दिया था इसको बोल्ड करने के लिए बोला नहीं है तो हम उसको बोल्ड भी नहीं करेंगे, अब ये हो गया हमारा पूरा मैटर जैसा उन्होंने कहा है उसी के तरह हमने ये लेटर टाइप कर दिया। अब अलाइनमेंट, अब अलाइनमेंट के बारे में मैंने बोला था कि ये जो सब्जेक्ट और ये जो बीच में दिख रहा था सब्जेक्ट वगैरह जो है ना ये बीच में ही दिख रहा था ना हमें, तो हम इसको बीच में इसलिए लाए थे क्योंकि ये सेंट्रल अलाइन बोला था, यदि लेफ्ट अलाइन बोला होता राइट अलाइन बोला होता तो राइट में जाता, लेफ्ट ने बोला तो लेफ्ट में जाता, सेंट्रल बोला इसलिए सेंटर में अलाइन आ गया, बाकी कोई मैटर ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने अलग अलाइनमेंट में बताया। तो दोस्तों ये जो इंस्ट्रक्शन आपको दी है ना इसी तरह आपको पढ़ना है, इसी तरह आपको ये चीजें फॉलो करनी है। सो आई होप गाइस कि आपको ये सेशन थोड़ा बहुत मिसमैच हो गया, कभी बीच में चार्जिंग वगैरह का इशू आ गया, तो कब से मैं ट्राई कर रहा था ये बहुत, आज बहुत टाइम लगा मुझे, 8 दिन से मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया और आज भी बहुत टाइम लगा, सो सॉरी फॉर दैट कि ये वीडियो भी डिले होगा, लेकिन अगला वीडियो भी आपको विद इन नेक्स्ट ट्यूजडे और थर्सडे तक आपको आ जाएगा, क्योंकि टाइम लगता है ये वीडियो बनाने में, इसको थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है बहुत, तो आपको भी दिखा होगा कि यहाँ पे थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है मेरे से, लेकिन सॉरी फॉर दैट एंड बेस्ट लक कि आप इस एग्जाम के लिए अच्छे प्रिपेयर भी करो, आपको बेस्ट लक मेरी तरफ से, और जितना भी स्कोर आ रहा है आपको यदि टायर 3 के भी पॉसिबल चांसेस बन रहे आपके फेस 3 के लिए, फिर भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए ज्यादा आपको बाद में वक्त नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, गुड बाय।